देख रहे हैं पीएनआई न्यूज। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टाटा कंपनी के सहयोग से नोएडा के सेक्टर 39 में 420 बेड वाले कोविड 19 अस्पताल का उद्घाटन किया। इसके लिए शुक्रवार की शाम को ही वह नोएडा पहुंच गए थे। योगी ने नोएडा पहुंचते ही जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मीटिंग की थी और कोरोना की स्थिति का जायजा भी लिया था। योगी आदित्यनाथ शनिवार की सुबह सेक्टर 39 स्थित कोविड अस्पताल का उद्घाटन करते हुए यह अस्पताल टाटा कंपनी ने CSR के तहत बनवाया है। इससे जिले गौतम बुद्ध नगर समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लाभ होगा। अब और तेज गति से हम कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम हो गए हैं। मुख्यमंत्री के उद्घाटन करने के बाद से ही यहाँ कोरोना के मरीजों की भर्ती करना शुरू कर दिया गया। कोविड अस्पताल अभी 250 बेड के साथ अस्पताल शुरू हो रहा है। धीरे धीरे 400 बेड की सुविधा शुरू हो जाएगी। अस्पताल में डायलिसिस यूनिट और लैब भी होगी। CMO डॉक्टर दीपक ओहरी ने बताया कि अभी 28 बेड ICU व 9 बेड इमरजेंसी में हैं। इनके अलावा 65 बेड के 2 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। इसमें 28 डॉक्टर और 80 से ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जिसमें 58 स्टाफ नर्स, 3 लैब टेक्नीशियन, 1 एक्सरे टेक्नीशियन, वार्ड बॉय आदि शामिल होंगे। द्वितीय फ्लोर पर डायलिसिस यूनिट और लैब है। यहाँ लेवल 1, 2 और 3 श्रेणी के मरीजों का इलाज हो सकेगा। प्रबंधकों के अलावा हर फ्लोर के लिए डॉक्टर, फार्मेसी स्टाफ, नर्स आदि की ड्यूटी लगाई गई है। अस्पताल का निर्माण नोएडा प्राधिकरण ने कराया है, जबकि कोविड संबंधित सभी सुविधाएं CSR के तहत टाटा समूह और बिल गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से दी जा रही है। कुछ महीने के बाद स्थित जिला अस्पताल को यहाँ पर शिफ्ट किया जाना है। किसी भी जिले में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ना शुरू हो गया, जिसके तहत ये तैयारियाँ की गई। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबा के हमें सब्सक्राइब करें।